नमस्कार साथियों, आज का वीडियो ग्रुप डी की एग्जाम डेट को लेके है। मैं आपको बताऊं, जब से ये न्यूज आई है कि आरआरसी और आरआरबी को बंद कर दिए जाएंगे, तब से जो है सारे के सारे स्टूडेंटों के मन में एक बहुत भयंकर सा डर बैठ गया। ये डर किस चीज का है? ये डर इस चीज का है कि सर, जो पिछली वैकेंसी थी ग्रुप डी की, तो क्या इसका एग्जाम नहीं होगा? हालांकि ये डर केवल बच्चों के मन में नहीं, अब तो टीचरों के मन में भी है ये डर। तो इसी डर को भगाने के लिए और एग्जाम डेट को कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया है कि 27 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, ये डेट आप सबको याद रखनी है, 27 सितंबर सुबह 10 बजे आप लोगों को ट्विटर कैंपेन चलाना है। ये ट्विटर कैंपेन हम लोगों का बहुत बार हमने पहले चलाया है, लेकिन ये ट्विटर कैंपेन अभी तक क्यों नहीं सक्सेस हुआ और क्यों एग्जाम डेट नहीं आई, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको याद हो तो जब दिसंबर के महीने में हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था, तो दिसंबर के महीने में जैसे ट्विटर कैंपेन चलाया था एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, तो आपने देखा था उस ट्विटर कैंपेन में पूरा का पूरा एसएससी का जितना भी सेगमेंट है, उसके साथ साथ आपका रेलवे के जितने भी एग्जाम या रेलवे के जितने भी टीचर है और भी जितने भी तुम्हारे और भी स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, साथ साथ स्टेट लेवल और एसएससी को पढ़ाने वाले टीचर वो उस समय खुल के सामने आए थे। मतलब हुआ कुछ ये था कि एसएससी का सेगमेंट, रेलवे का सेगमेंट और स्टेट लेवल पे जितने भी एग्जाम आते हैं, सारे के सारे सेगमेंट एक साथ आके ट्विटर कैंपेन चलाया था। और फटाफट से देखिए, आपकी एनटीपीसी की 63 एग्जाम डेट, टेंटेटिव एग्जाम डेट कम आ चुकी थी और उसी टेंटेटिव एग्जाम डेट को एग्जाम भी कंडक्ट हुआ था। अब हो क्या रहा है कि ग्रुप डी में हम लोगों के पास केवल और केवल, देखो भैया, एसएससी का सेगमेंट कट गया, एसएससी का सेगमेंट कट गया और बचा जो है वो केवल और केवल रेलवे का है। यानी यहां पर जो भी ट्विटर कैंपेन चला रहा है वो केवल रेलवे के बच्चे, रेलवे के टीचर मिलकर चला रहा है। एक तो सबसे बड़ा इशू इस बात का है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, रेलवे के स्टूडेंट और एसएससी के स्टूडेंट और सारे के सारे सेगमेंट के स्टूडेंट जब एक साथ होकर ट्विटर कैंपेन चलाएंगे 27 सितंबर सुबह 10 बजे, इसका इंपैक्ट बहुत पावरफुल होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं उन लोगों से जो रेलवे को नहीं पढ़ाते, सिर्फ एसएससी को देखते, वो लोग भी इस पर वीडियो बनाएं। जब वो लोग उस पर वीडियो बनाएंगे तो जो एसएससी का बच्चा है, जो स्टेट लेवल का बच्चा है, भाई वो भी इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेगा, है ना। और दूसरी गलती क्या हो रही है, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं अलग अलग तरह के जो हैशटैग यूज करते। देखो, बहुत सारे टीचरों ने मिलकर यह बात सोचा कि हैशटैग जो रखना है वो सबको सेम रखना, जो हैशटैग है वो देख लीजिए आप लोग, हैशटैग रेलवे, रेलवे में बहुत सारे लोग कैपिटल आर इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटल आर नहीं इस्तेमाल करना आपको, स्मॉल आर। तो रेलवे के बाद अंडर स्कोर है, फिर ग्रुप डी है, फिर अंडर स्कोर है और एग्जाम डेट है। एग्जाम डेट में ध्यान रखना, यहां पर किसी तरह का कोई अंडर स्कोर नहीं है। तो ये जो मैंने हैशटैग लिखा है आपको यही इस्तेमाल करना है और ध्यान रखिएगा, आपको जो ट्वीट करना है वो 27 सितंबर सुबह 10 बजे एक साथ ट्वीट करना है, एक साथ ट्वीट पढ़ना है रेलवे पर। हमें अलग अलग ट्वीट नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने खाना पीना खाया और उसके बाद रात में 12 बजे टक रहे हो सामने, नहीं, आप सारे के सारे काम 10 बजे से पहले निपटा लेना और 10 बजे एकदम तैयार बैठ जाना कि सर अब मैं इतने ट्वीट मारूंगा इस रेलवे को, इतने ज्यादा ट्वीट मारूंगा ताकि जो है कंफ्यूज हो जाए कि इनको एग्जाम डेट दे कि डायरेक्ट नौकरी पर रख ले। मतलब आपको ट्वीट बहुत सारे करने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर से मैं बता दूं आपको, एसएससी के बच्चे को भी, मतलब एसएससी के जो सेगमेंट के टीचर है और उनके जो स्टूडेंट है उनको भी ट्वीट करना है, ताकि जैसे ही ये सारे के सारे सेगमेंट एक साथ आएंगे तब ये आंदोलन जाके सफल होगा। और भाई साहब, बहुत बड़ी वैकेंसी है, मुझे पता है कि ग्रुप डी में बहुत छोटे लेवल के कह सकते हो कि बहुत, मतलब गरीब घर से बच्चा आता है वो फॉर्म डालता है, मतलब आप ये समझो कि बहुत लोगों की आशाएं, और केवल बच्चों की आशाएं नहीं, माता पिता की भी आशाएं इस पर जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप जो, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग 27 सितंबर को सुबह 10 बजे इस ट्वीट का हिस्सा जरूर बनिए, ठीक है। थैंक यू।